मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था की एक झलक देखने को मिल रही है। दरअसल यहां एम्बुलेंस की सुविधा न होने के कारण एक 7 साल का बेटा अपने पिता को गंभीर हालत में ठेले से अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एडीएम डीपी वर्मन ने वीडियो को देखने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। घर से 3 किलोमीटर दूर था अस्पताल। बता दें आपको कि शुक्रवार की दोपहर दीनदयाल शाह के पैर में अचानक तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी हो गया। जब उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा लेनी चाहिए तो किसी कारणवश उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली और इसके बाद मरीज के 7 साल के बेटे ने उनको हाथ ठेले पर लिटाया और अपनी मां के साथ अस्पताल ले गया। बताया जा रहा है कि उनके घर से अस्पताल 3 किलोमीटर दूर था। अस्पताल पहुंचने के बाद एडीएम के आदेश पर सीएमएचओ ने सिविल सर्जन को मामले की जांच के निर्देश दिए। आनन फानन में बारीकी से जांच की गई तो पता लगा कि सर्जन जल्दबाजी में ही मरीज को जिला अस्पताल लेकर आए थे। उन्होंने एम्बुलेंस से संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की। जांच अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मरीज के परिजनों से बातचीत की और उसका वीडियो भी बनाया। इस दौरान उनका फोन भी चेक किया गया, जिसमें पता लगा कि उन्होंने एम्बुलेंस से संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की। दरअसल इनके घर में खुद का हाथ ठेला है और ऐसे में वो इलाज कराने के लिए आसानी से जिला अस्पताल पहुंच गए। मरीज का पहले से ही इलाज चल रहा है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।